अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फहद शहबाज़ खान और इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के बहुत वाज़ेह अहकाम के बाद यहाँ हेलमेट्स जो हैं उनको लाजमी करार दिया गया। उसके बाद सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ गई, बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू किया और लाहौर हाई कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकाम थे कि जितने भी बासी हैं जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं वो हेलमेट के बगैर बिल्कुल भी अपनी आमदोरफ़्त जो है वो ना करें ताकि हालात को बेहतर किया जा सके। चूँकि हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स थी, 112 की रिपोर्ट थी कि 80% इंजरीज, हेड इंजरीज और 80% एक्सीडेंट्स का शिकार वो अफराद बनते हैं जो बाइक्स पे सफ़र करते हैं। CTO साहब की जानिब से एक लेटर लिखा गया है कमिश्नर साहब को और CC किया गया है IG साहब को, डिप्टी कमिश्नर को, और उसमें बड़ी अहम बात है। बात ये है कि जितने लोग पेट्रोल पंप के मालिकान लोग हैं या वो अफराद जो पेट्रोल से रिलेटेड हैं वो पेट्रोल ही ना दें उन अफराद को जो हेलमेट के बगैर और बैक मिरर्स के बगैर उनके पास आते हैं, तो इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा और ये कैसे पॉसिबल है और कमिश्नर साहब जो हैं और डिप्टी कमिश्नर वो किस तरह इसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, इतनी नफरी कहाँ से लाएँगे, लाहौर में कितनी तादाद में पेट्रोल पम्प मौजूद हैं और उन सारे पेट्रोल पम्प पर क्या उनकी जानिब से, इंतजामिया की जानिब से कोई बंदा खड़ा होगा जो चेक एंड बैलेंस रखेगा। और पेट्रोल बेचने वाले जो हैं वो तो उनका काम पेट्रोल बेचना है अपनी SOPs के मुताबिक, वो कैसे इस पर इंप्लीमेंट कर सकेंगे कि एक बंदा जो है उसने हेलमेट पहना है नहीं पहना, बैक मिरर्स लगे हैं नहीं लगे, उनका काम तो पेट्रोल बेचना है, वो कैसे करेंगे। ये वो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे कि CTO साहब का लिखा हुआ लेटर जो है उस पर इम्प्लीमेंट कैसे हो सकेगा, आफ्टरऑल कैसे इंतजामिया जो है इस सारे मामले का बेहतर तरीके से तदारुक कर सकती है, इस पर बेहतरी लाई जा सकती है। ट्रैफिक हुकाम का काम है कि चेक करें किसके बैक मिरर्स नहीं लगे और जीरो टॉलरेंस इस्तेमाल करते हुए पूरे लाहौर में जितनी बाइक्स हैं उन पर बैक मिरर्स लग जाएं और जितने अफराद हैं वो कानून के शिकंजे में आ जाएं। आपके पास ये टिकटिंग का मैकेनिज्म मौजूद है और इन सारे मैकेनिज्म को यूटिलाइज़ करते हुए, ब्रुएकार लाते हुए इन सारे मामलों को बेहतर किया जा सकता है और हेलमेट जिस तरह यकीनी बनाया गया इसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें जो कमिश्नर लाहौर हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इन सारे मामलों को हम देखेंगे, इसी पर बात करेंगे। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है और दीगर अफराद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज ठीक है आपके? शुक्र अल्लाह। तो सर हेलमेट उलमट? जी सर, हेलमेट उलमट ऑफिस में रह गया यार। ओह वेरी सैड। तो ये रोज तो नहीं रह जाता ना? नहीं नहीं कभी कभी रहता है। तो ये आपकी सेहत है इसको यकीनी बनाने के लिए आप लाहौर हाई कोर्ट की में करते हैं प्रैक्टिस? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका पूरा? मलिक फरक नाम। मलिक साहब आप बड़े वाजिबुल एहतराम है और आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट का ये मौजूद बेंच का फैसला था जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब का कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं मजीद? नहीं हम लोग तो पहन रहे ना हेलमेट, अभी तो साथ ही निकले, हम तो नेबर हैं। और दूसरा CTO साहब की जानिब से एक लेटर लिखा गया कमिश्नर साहब को कि पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो दें ही ना पेट्रोल जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। सर मैं वही तो लड़ रहा हूँ, कहाँ पे वो नोटिफिकेशन दिखाइएगा जरा, कहाँ पे लिखा हुआ है, लगा हुआ कहीं पे? नहीं लगा हुआ। नोटिफिकेशन तो वायरल हो गया है व्हाट्सएप पे हर जगह पे, वो तो सब लोगों के पास चला गया, आप भी देख लें। हाँ भाई डेली अपडेट आती है, डेली अपडेट आती है, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया। आप ऐड दें ना अखबार में, दें कुछ जो लॉ की बुक है उसके अंदर ऐड करें। आप ठीक कह रहे हैं फरक साहब, ठीक है ये आप बात ठीक कह रहे हैं जी, ये बात ठीक है। फेसबुक पे आपने इंटीमेट तो नहीं ना करना, ठीक है सर। ये सूरत हाल है जी, हमारे साथ जो एसोसिएशन है उनके कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और हमारे साथ इमरान मलिक साहब भी मौजूद हैं, मुदस्सिर साहब भी मौजूद हैं। मलिक साहब ये सूरत हाल किस तरह बेहतर लाई जा सकती है, और हमारे साथ ख्वाजा आतिफ साहब किसी तारों के मोहताज नहीं हैं और सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के, मुझे ये बताइए ख्वाजा साहब कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और ये जो लेटर आया है CTO साहब की जानिब से आपने पढ़ा होगा, इस पर क्या आपका रद्देमल क्या है, पहला रद्देमल क्या है? देखिए मुझे तो फ्रेंकली स्पीकिंग बड़ा फनी सा वो लेटर लगा है। आपको CTO साहब के अहकाम जो उन्होंने अपने शेयर किए हैं बाकी मुतलका इदारों से आपको फनी लगे हैं? जी वो इस तरह के मतलब CTO साहब ने अपनी अथॉरिटी को सरेंडर करके, आपने CTO साहब से कोई रब्ता नहीं किया? नहीं जी, वो CTO साहब ने अगर ये लेटर इशू करना था तो उससे पहले उनको जो आपने उनका लेटर उनको व्हाट्सएप करके स्माइली नहीं भेजा साथ? नहीं वो उनको ये चाहिए था जी कि पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें उनके साथ मीटिंग करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर इसको आगे की तरफ लेके जाते। अब वो हेलमेट नहीं उन्होंने पहना हुआ? आप मेरे साथ खाली साहब आइए जरा। जी जी आइए मेरे साथ। वो भाईजान अगर
ये बैक मिरर्स नहीं लगाएंगे तो आप नहीं देंगे पेट्रोल, ये लेटर है, ये देखे ना, ये बैक मिरर्स नहीं है तो आप इनको नहीं देंगे। देखे अगर इसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो फिर तो हमारे लिए भी मजबूरी हो जाएगी, ठीक है। बैक मिरर इधर भी नहीं लगे हुए। हाँ जी, तो ये तो देखे ना, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ये उनका काम है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ये मतलब ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट कुछ ना करे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पे डाल दी जाए तो हम किस किस से झगड़ा करेंगे। तो ये इनका काम है कि इसको इम्प्लीमेंट करें। मलिक साहब ये क्या है इसका, वो कह रहे हैं फनी लेटर। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि वो स्टेक होल्डर्स भी हैं और पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी भी हैं, वो कह सकते हैं। देखिए जी, हेलमेट किधर है तुम्हारा? हेलमेट घर पे पड़ा हुआ सर। ओए आप भी घर रुक जाते यार, गिर जाओगे इस तरह मेरा बच्चा। काम था जरा जरूरी अर्जेंट। बेटा कुछ चोट चाट लग जाएगी हैं, लेके आएंगे नेक्स्ट हेलमेट। शाबाश मेरा बेटा, तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम हो रहा है। आप ना करी है। अच्छा जी, मुल्क के लिए अच्छा काम हो रहा है। अच्छा ये जो लेटर है ना, ये बेसिकली तजवीज़ दी गई है सीटीओ की तरफ से, कमीशन लॉ डिवीजन को उन्होंने भेजा लेटर और उसके साथ साथ सीसी तजवीज़ का लफ्ज़ कहीं नहीं लिखा। नहीं, वो उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि मेरी राय है। वाइज वो चूंकि सीटीओ है, कमिश्नर को वो अहकाम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो, हाँ, तजवीज़ ही दे सकते हैं। तजवीज़ लिखते ना साथ, आइडिया भी लिखते कि मेरी सबमिशन है कि ये इस तरह पूरे शहर लाहौर में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ फाह साहब, 325 पंप है पूरे लाहौर के, 325 पंपों के बाद अगर वार्डन खड़े कर दें तो वो चलान करने शुरू कर दें। अब ये इनका ये कहना है कि हम किस तरह से लोगों को पकड़ेंगे, किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह से इन्फोर्स करवाएंगे। अगर कमिश्नर लाहौर डिवीजन को उन्होंने खत लिखा है तो वो कमिश्नर के साथ जाकर वैसे ही वो आइडिया शेयर करते, अगले दिन मीटिंग बुला लेते। मीटिंग के बाद जिस तरह पिंडी में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, पिंडी में इंप्लीमेंट हो चुका है, इससे पहले दिल्ली बांग्लादेश में भी इंप्लीमेंट है कि विदाउट हेलमेट के किसी को भी पेट्रोल ना दिया जाए। तो अगर लाहौर शहर जो है 1,12,00,000 आबादी का शहर है, 4,00,000 एकड़ पर ये इस वक्त मुहित है लाहौर शहर, इतना बड़ा शहर है, अगर इसके ऊपर इन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है, इसके लिए तमाम अलाइड महकमों को साथ मिलकर लेकर चलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। डिप्टी कमिश्नर के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमने पीर वाले दिन जो है वो मीटिंग बुलानी है इनकी, आज मीटिंग क्यों नहीं हुई, क्या नहीं हुई, किस तरह नहीं हुई, ये तो इंप्लीमेंट कर देंगे। पिंडी में तो इंप्लीमेंट भी है। नहीं जी उसमें आप फिर क्या करेंगे आप? नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं। उसको इंप्लीमेंट होने के बाद उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। वो आप इस तरह देखें ना कि झगड़े उस लेटर की सीसी में तो आपको नहीं रखा हुआ। हाँ जी, झगड़े रिपोर्ट से तो पूछा ही नहीं गया। झगड़े बिल्कुल नहीं पूछा गया, झगड़े रिपोर्ट नहीं हुए। पिंडी में बहुत ज्यादा लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है। अब देखे ना, झगड़ा हो जाता है, कोई पंप को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए हमें भी तो कोई रेमेडी बताई जाए ना कि हम किसी को रिफ्यूज करते हैं। अगर मेरा ख्याल है कि अगर 144 लग गई 325 पंप्स पे तो मेरा ख्याल है आपको इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि 144 लगी होगी फिर उनका नहीं है, फिर आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। अगर 144 उन्होंने लगा दी आपकी साथ मीटिंग्स के बाद, स्टेक होल्डर्स के बाद, क्योंकि उनके पास कानून कोई नहीं है फास साहब, कानून कोई नहीं है कि वो शहरियों को कहें। इसके लिए पहले कानून बनना चाहिए था, इसके लिए तमाम लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी, तमाम स्टेक होल्डर। इखलाकी तौर पर कह सकते हैं कानून नहीं है, ठीक बात है। अच्छा मुझे ये बताएं दोस्तों साहब, उस सीसी उन्होंने आईजी को भी रखा हुआ है बीच में और ये लेटर आईजी साहब तक भी पहुँचाया, तो क्या पुलिस वाला भी एक खड़ा करेंगे चेक करें हेलमेट के बगैर? अगर पेट्रोल पंप वाला मतलब हेलमेट के बगैर पेट्रोल पंप वाला अगर पेट्रोल दे रहा है तो फिर ये गुनाह तसव्वुर होगा और इसकी कोई ना कोई सजा भी रखी जाएगी, क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं इसमें जो है ना, वो जब कानून मौजूद नहीं है तो इसकी रेमेडी क्या रखेंगे, क्या जुर्माना रखेंगे, क्या करेंगे? सर वही इन्फोर्समेंट। देखिए जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर है ना, तो ये पंप की इजाज़त इसका जो बनना है, इसका जो NOC है वो DC लाहौर की तरफ से होता है। ये तमाम जितने भी पेट्रोल पंप हैं ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर के अंडर आते हैं, जिले इंतजामिया के अंडर आते हैं, मगर एक ही कानून रह जाता है उनके पास, 144 तमाम जितने भी पंप्स हैं वहाँ पे लगा दें। ये बड़ा मजाका खेज होगा कि 144 लग जाए सारे पंपों पे, कैसे लग सकती है? CTO की भी इजाज़त लाजमी होती है लाहौर शहर में, वो CTO अलाउ करता है, उसके बाद पंप लगता है। और ये जो CTO साहब ने ये जो किया है ना, किया है नोटिफिकेशन, किया है मरासला, किया है सबको, ये उन्होंने कहा है कि मेरे साथ बाकी जो महकमे हैं वो भी साथ मिलके इस पे जो है ना अमल दरामद करवाएं। मेरे ख्याल में इसके लिए आप देखें, ये लोग जो है ना ये पेट्रोल पंप से तो काबू नहीं आएंगे, इनको लॉ एंड ऑर्डर वाले अधिकारी काबू करें। अगर देखिए, ये समझ नहीं आ रही कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो तो बैक मिरर्स बैन कर दे के वो बाइक सड़क पे ना आए जो बैक मिरर्स वाले। मार रोड पे कितनी सख्ती है, अभी भी लोग बगैर हेलमेट पे वहां से गुजरते हैं,
ठीक है। और बाकी भी आप देख लें कि जहाँ पे गैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए और नंबर प्लेट ठीक होनी चाहिए, उसके बावजूद भी आप जहाँ पे चेक कर लें आधी से ज़्यादा लोग बगैर नंबर प्लेट अप्लाइड पार, या ऐसी मोटरसाइकिलें जिनकी गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं अमल दरामद उन पर भी नहीं हो रहा, तो ये पेट्रोल पम्प के लिए तो बहुत मुश्किल है इन पर अमल दरामद करवाना। इसके लिए मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर जो है ना उनको भी ही इम्प्लीमेंटेशन करवाना पड़ेगा, इनकी बस की बात ही नहीं है। क्या फिर आपका लॉ अमल क्या होगा? देखें ये तो अभी अब उनके साथ जब मीटिंग में बैठेंगे और फिर उसके बाद उनको अपने जो हमारी ऑन ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ पेट्रोल पंप पे एक बंदा ज्यादा रख ले जो चेक करता जाए हेलमेट किसने नहीं पहना उसको साइड पे करता जाए और लड़ते भिड़ते रहे फिर लोगों से। मुझे सिर्फ ये बताएं कि मोटर बाइकर ने ड्रोन के जरिए तो नहीं आना पंप के ऊपर, वो सड़कों से गुजर के आएगा तो जहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो क्या कर रही है, उनका क्या रोल है? मतलब ये हमेशा जो सबसे सॉफ्ट है अवाम की तरफ ये धकेल दिया जाता है और ये सीक्रेट का इंतजामिया खुद बन जाती है हर मामले में। मतलब कि हमारा उसमें इन झगड़ों को इन प्रॉब्लम जो होंगी उनको किस तरह देखेंगे? आप ये कानून बनाएं कि मोटर बाइक्स जब खरीदें उसके साथ कंपलसरी कर दें कि हेलमेट साथ होगा और उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। हमारी पूरे लाहौर में जी आप देख सकते हैं यहाँ आपको बैक मिरर्स नजर नहीं आएंगे। आप मेरे साथ आइए मैं दिखाता हूँ, खाई साहब आइए, मलिक साहब आप भी आइए, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ आपको बैक मिरर्स नजर नहीं आएंगे। आप जहाँ तक मर्जी देख लें लोगों के पास बैक मिरर्स की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है और बैक मिरर्स जो है वो लगाना शायद मायूब समझा जाता है। इधर भी बाइकर अगर खड़े हैं तो इनसे भी आप देख सकते हैं कि बैक मिरर्स की फैसिलिटी किसी भी तरह की जब मौजूद ही नहीं है तो इसे इंप्लीमेंट करना जो है ट्रैफिक पुलिस का काम है और ट्रैफिक पुलिस इस पर इंप्लीमेंट कर सकती है और जैसे हेलमेट पर इंप्लीमेंट हो गया इस पर बैक मिरर्स पर भी इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान काम है। ख्वाजा साहब ये फिर आपसे इनपुट जब ली नहीं गई और महकमे आपस में सारे डिसाइड कर लेंगे तो आपको फिर इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। देखिए हम किसी भी जो अच्छा काम हो रहा है हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम डेफिनेटली उसमें जो अपना ड्यू शेयर है वो ज़रूर डालना चाहेंगे लेकिन उसका कोई तरीकाकार तय किया जाए। मतलब हमें वो जल्दी आके अंदर हमें ना धकेला जाए कि हम अकेले इसको हैंडल करें। 350 लाहौर की साइड्स हैं, 350 वार्डन खड़े कर दें हर पेट्रोल पम्प के बाहर, जो बंदा आता है वो अगर वो हेलमेट के बगैर है उसका चलान करें। उसमें यह है कि सारी जिम्मेदारी अगर आप पेट्रोल पंप पे डाल देंगे तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। हाँ जी, इसमें आज ही पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि RPOs और DPOs और CTO को भी हुक्म दिया है कि जो गैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो मेरे ख्याल में अगर वो हेलमेट पर भी अमल दरामद करवाना चाह रहे हैं, आज ही की तरफ से अभी कोई मैसेज नहीं आया कि हेलमेट पे जो है ना वो सख्ती से अमल दरामद करें। CTO की तरफ से है, हाई कोर्ट की तरफ से है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो CTO साहब ने जो मुरासला किया है नोटिफिकेशन किया है उसका थोड़ा बहुत असर ज़रूर हुआ है कि लोग जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उन्होंने थोड़ा बहुत अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया। अभी मैंने देखा है कि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप वाले जो पेट्रोल डाल रहे हैं तो वो लोगों से कह रहे हैं वो जो पीछे वाला आपस में जिसके पास हेलमेट नहीं है वो पीछे वाले मोटरसाइकिल वाले से ले रहा है और अगर कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में दूसरा यह है कि जो नोटिफिकेशन तो किया है लेकिन आवाम को पता ही नहीं है, अभी तक अवेयरनेस नहीं है। जब ही जो वकील साहब बता रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं है, अब इसको नोटिफिकेशन को वायरल करने की भी जरूरत है, इसकी एडवर्टाइजमेंट चलाएं, आप अखबारात में इश्तहार दें ताकि लोगों को पता चले कि ये पेट्रोल इसके बगैर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए, CTO के लिए भी और हुकूमत के लिए भी कि इसकी अवेयरनेस लाएँ ताकि लोगों को पता चले। दूसरा इसमें जो आपने बताया कि इससे जो है वो एक्सीडेंट बहुत कम हो गए हैं और एक्सीडेंट नो डाउट जो हेड इंजरी है उससे ज़्यादा हलाकतें होती हैं, तो इसमें फ़ायदा तो अवाम का ही है, अवाम को इसको अपना जो है ना ज़रूरी है हेलमेट पहना और अवाम को इसको जो है ना रियलाइज़ करवाना पड़ेगा, हुकूमत को भी और जितने भी लॉ एंड ऑर्डर वाले अदारे हैं उनको भी। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल इसमें ज़ाहिर है रेस्क्यू हैं, बाकी CTO साहब सब ने कहा है कि इसमें हेड इंजरी इससे कम हुई है, तो मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत है और शहरियों को अवेयर करना चाहिए। हेड मिरर जो आपने बताया बैक मिरर वो भी ज़ाहिर है ज़रूरी है। तो इसमें अगर पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि ये जो जितने भी चलान किए जाते हैं ना चलान किए जाते हैं जब ये चलान करें तो वो आप उन पैसे से उनको हेलमेट खरीद के दें फिर भी इस पर अमल दरामद होगा। अगर ये जो पैसे हैं अगर ये गवर्नमेंट के फंड में जाएंगे तो मैं असल में अच्छी बात है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। बहस ये हो रही है कि ये तरीका क्या ठीक है बेस्ट इनको बेस्ट करने का प्रॉपर करने का कि सिटी पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी जो है वो अपने सर से उतार कर दूसरे के साथ डाल दी जाए। और आप किसी बाइकर को कैसे पॉसिबल है कि वो हेलमेट के बगैर आपके होते हुए आपके लॉ के होते हुए उसे इम्प्लीमेंट ना कर सके और बैक मिरर्स के बगैर वो पूरे लाहौर से निकल के घर चला जाए और वो चलान भी उसका ना हो और आपके जो कानून है उसका खौफ भी उसे ना हो। तो ये सारी बहस है जी, शॉर्ट ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।